गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर पादप प्रजनन। पादप प्रजनन के हमने उद्देश्यों को देखा कि पादप प्रजनन का उद्देश्य उन्नत किस्मों का विकास करना होता है। पादप प्रजनन करवाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, जिसमें हमने फर्स्ट लिया है विविधता का उत्पादन। विविधता का उत्पादन, इसमें हमने जो है पौधों के अंदर उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं के बारे में बात की कि पौधों में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के नए लक्षणों को उत्पादित किया जा सके, जिसके लिए हमने इसमें ग्राम्यन को पढ़ा था, जिसे घरेलूकरण कहा गया है। सेकंड हमने इसके अंदर जो है जनन द्रव्य संरक्षण को पढ़ा, जनन द्रव्य संरक्षण को पढ़ा, जिसमें हमने बात की कि पौधों के जनन द्रव्य को किस प्रकार से संग्रहित व संरक्षित किया जा सके, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के डीएनए बैंक, विभिन्न प्रकार के बीज बैंक, इसके अलावा कोशिका अंग बैंक, प्ररोसिस बैंक, स्वस्थानीय संरक्षण, ये सभी विधियां हमने इसमें पढ़ी थी। आज हम बात कर रहे हैं इसके अंदर तीसरी क्रिया पादप पुनर्स्थापन। पादप पुनर्स्थापन, जिसे प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है। पादप पुनर्स्थापन, देखिए नाम से स्पष्ट है, पादप जो है इसका क्या किया जाता है, पुनः स्थापन किया जाता है। परंतु यहाँ पर पुनः स्थापन जो होता है वो किसी भिन्न जलवायु या भिन्न आवास में किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पादपों को उनके प्राकृतिक आवासों से निकाल कर उन्हें किसी भिन्न जलवायु में स्थापित करना क्या कहलाता है, पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। कोई पौधा जो है वो किसी प्राकृतिक स्थान पर या किसी मूल स्थान पर उग रहा है, उस पौधे को क्या किया जाएगा, उस प्राकृतिक स्थान से निकाल करके किसी भिन्न जलवायु में क्या कर दिया गया है, उसको लगा दिया गया है। तो यह प्रक्रिया जो होगी इसे क्या कहा जाएगा, पादप पुनर्स्थापन कहा जाता है। अब होता क्या है कि जब पौधे को उसके प्राकृतिक आवास से निकाल करके किसी अन्य जलवायु वाले नए आवास में जब स्थापित किया जाता है, तो पौधा जो होता है वो उस भिन्न जलवायु में रह करके अपने आप में क्या कर लेता है, अभ्यस्त हो जाता है या अपने अंदर कुछ नए लक्षणों का समावेश कर लेता है, जिसके कारण से वो इस जलवायु में क्या है, सक्षम रह सके। तो यह प्रक्रिया जो होती है इसे क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। यानी कि पौधों के अंदर या जातियों के अंदर क्या होएगा, किसी भिन्न जलवायु के प्रति क्या हो जाता है, इसमें एक सामंजस्य या एक जो है तारतम्यता जो होती है वो इसमें बन जाती है, जिससे क्या होता है उस पौधे के अंदर या उस प्रजाति के अंदर कुछ नए लक्षणों का समावेश हो जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इनके अंदर अनुकूलन कहलाती है। अब ये अनुकूलन जो है ये क्या है, विभिन्न प्रकार की दशाओं के कारण है, तो इसे जो है दशा अनुकूलन भी कह सकते हैं। इसे क्या कहा जा सकता है, दशा अनुकूलन भी कहा जा सकता है। पादप पुनर्स्थापन जो होता है यह देशज भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है, इसे जो है देशज भी कह सकते हैं, देशज संग्रह या देशज पुनर्स्थापन। इसमें क्या किया जाता है कि पौधे को किसी देश में एक स्थान से उसी देश के अंदर दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार का जो पुनर्स्थापन होगा उसे देशज संग्रह या देशज पुनर्स्थापन कहा जाता है, जिसमें देश वही रहेगा परंतु स्थान जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि विदेशी पुनर्स्थापन में या विदेश संग्रह में
क्या होगा कि किसी अन्य देश से क्या किया जाता है, पौधों को लाया जाता है, प्रजातियों को लाया जाता है और उसे जो है किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे स्थान पर जो है उगाया जाता है। तो इसे जो है विदेशी पुरस्थापन या विदेशी संग्रह कहा जाता है। पादप पुरस्थापन को दो प्रकारों में बांटा गया है, प्राथमिक पुरस्थापन और द्वितीयक पुरस्थापन। होता क्या है, देखिए प्राथमिक पुरस्थापन, प्राथमिक पुरस्थापन ऐसा पुरस्थापन जिसमें क्या किया जाता है, पौधे को या प्रजाति को सीधे ही किसी दूसरे स्थान पर बिना किसी चयन के, बिना किसी संकरण के क्या किया जाता है, सीधे ही लगा दिया जाता है। मान लो किसी स्थान से अपन किसी पौधे को उठा करके लाते हैं और उसे किसी दूसरे भिन्न जलवायु के अंदर जो है बिना किसी चयन के या बिना संकरण के जो है उस पौधे को क्या किया जाता है, सीधे ही क्या किया जाता है, फील्ड के अंदर लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो पुरस्थापन है उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक पुरस्थापन कहा जाता है। प्राथमिक पुरस्थापन का सबसे अच्छा उदाहरण है लार्म राजा, लार्म राजा तथा सोनारा 64, लार्म राजा तथा सोनारा 64। ये क्या गेहूं की दो किस्में हैं जिन्हें क्या किया गया था, मैक्सिको से लाया गया था और इन्हें सीधे ही भारत के अंदर क्या किया गया है, बिना चयन और बिना संकरण के क्या किया गया, इन फसल वाली प्रजातियों को क्या किया गया है, सीधे ही उगाया गया है। तो ये इस प्रकार का जो पुरस्थापन है इसे प्राथमिक पुरस्थापन कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, पादप जातियों को या फसली प्रजातियों को किसी स्थान से निकाल करके उसे सीधे ही क्या किया जाता है, फील्ड के अंदर लगा दिया जाता है बिना चयन के अथवा बिना संकरण के। तो इस प्रकार का पुरस्थापन प्राथमिक पुरस्थापन कहलाता है। जबकि द्वितीयक पुरस्थापन जो होता है, द्वितीयक पुरस्थापन जो होता है इसके अंदर क्या किया जाता है कि किसी फसल अथवा पादप प्रजाति को जिस स्थान से लाया जाता है वहां से इसमें क्या किया जाता है कि जहां पर इसे लगाया जाएगा उस क्षेत्र की कोई भी जो देसी प्रजाति है उससे क्या किया जाएगा, इसका संकरण करवाया जाएगा। मान लीजिए कोई स्थान है जहां से पादप प्रजाति को क्या किया गया, आयात किया गया है, लाया गया है और इसे इस स्थान पर जब दूसरे किसी स्थान पर लाया जाएगा तो यहाँ पर जो पौधा पहले से उपस्थित है, प्रजाति उपस्थित है, उस प्रजाति के साथ इसका क्या करवाया जाएगा, संकरण करवाया जाएगा और संकरण के द्वारा जो प्राप्त संतति है उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर लगाया जाएगा। तो इस प्रकार का जो पुरस्थापन होता है इसे क्या कहा जाता है, द्वितीयक पुरस्थापन कहा जाता है। अर्थात द्वितीयक पुरस्थापन में जिस पादप को उसके मूल स्थान से या उसके प्राकृतिक स्थान से लाया जाता है उस पादप का संकरण जिस स्थान पर या जिस भिन्न जलवायु के अंदर जहां पर अपन उस पादप को लगाएंगे वहां की देसी प्रजातियों से क्या करवाया जाएगा, उस मूल पादप का संकरण करवाया जाएगा और उस संकरण से प्राप्त पादप को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। तो इस प्रकार का जो पुरस्थापन होता है उसे क्या कहा जाता है, द्वितीयक पुरस्थापन कहा जाता है। इसके पश्चात है इसके अंदर पादप पुरस्थापन की क्रियाएं, पादप पुरस्थापन की क्रियाएं। देखिए पादप पुरस्थापन, जब पादप को किसी स्थान से लाया जाता है और उसे जब क्या किया जाता है, भिन्न जलवायु में उगाया जाता है तो उसके लिए क्या की जाती है, कुछ विशिष्ट क्रियाएं करवाई जाती है। स्थापन की क्रियाएं, ये क्रियाएं कौन सी होती है, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है अर्जन, सबसे फर्स्ट आता है इसके अंदर अर्जन।
अर्जन का अर्थ होता है कि प्राप्त करना या ग्रहण करना, यानी कि जिस पादप को उसके प्राकृतिक आवास से निकाल करके लाया जाएगा तो सर्वप्रथम क्या होगा, उस पादप प्रजाति को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है किसी क्षेत्र में उगाने के लिए। तो ये एक तरह से वांछित जनन द्रव्य वाले पादपों को प्राप्त करने की क्रिया होती है। अर्जन के अंतर्गत हम जो है जनन द्रव्य को भी जो है डायरेक्ट NBPGR के माध्यम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पादप प्रजातियों के जनन द्रव्य को या पादपों की प्रजातियों को, पादप फसलों को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है पुनर्स्थापन की क्रिया चलाने के लिए। तो यह पुनर्स्थापन की क्रिया का सबसे पहला चरण होता है जिसमें उस पादप प्रजाति को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा या प्राप्त किया जाएगा। सेकेंड इसके अंदर है संगरोध। संगरोध या इसे जो है क्वारंटाइन भी कहा जाता है। अभी नाम ये बहुत ज्यादा चल रहा है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन अर्थात क्या होता है कि जिस पादप को या जिस प्रजाति को किसी क्षेत्र से लाया जाता है तो उस प्रजाति के साथ विभिन्न प्रकार के रोगजनक या रोगों के आने की संभावना रहती है, और इसीलिए क्या किया जाता है कि उस पादप या उस प्रजाति को क्या किया जाता है, क्वारंटाइन या संगरोध की प्रक्रिया के द्वारा उसे रोग मुक्त किया जाता है। क्वारंटाइन जो होता है, मान लीजिए किसी देश से जब पौधे को लाया जाएगा तो ये बंदरगाहों के माध्यम से या हवाई अड्डों के माध्यम से पौधों को जो है एक देश से दूसरे देश में लाया जाता है। अब हो सकता है कि उस पादप के साथ उस देश में उत्पन्न होने वाला कोई पादप रोग है वो उस पादप के साथ क्या हो, जुड़ करके जो है किसी नए देश के अंदर चला जाए, तो वो वहां पर भी क्या होगा, महामारी के रूप में जो है विकसित हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि पादप को रोगों से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इन पादपों का, जिन पादपों का पुनर्स्थापन किया जाना है उनका क्या करवाया जाता है, संगरोध या क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन के लिए जो है क्वारंटाइन लेबोरेटरी जो है वो बनाई जाती है जहां पर आयतित पादप प्रजातियों को क्या किया जाता है, परखा जाता है या उनकी जांच की जाती है कि उसमें कोई किसी प्रकार का कोई कवक अथवा कोई जीवाणु जो है साथ तो नहीं आ रखा है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि उस पादप का जो है क्वारंटीन सेंटर या क्वारंटीन लेबोरेटरी में जो है उसकी जांच की जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्वारंटाइन कहलाती है। थर्ड इसके अंदर है फिर सूचीबद्धन या सूचीबद्ध करना। सूचीबद्ध करना अर्थात जिस पादप को हम लेकर के आए हैं उसके अंदर किस प्रकार के लक्षण विद्यमान है, कौन सी उसमें जो है विशिष्ट प्रकार की जो क्रियाएं हैं, पादप के अंदर उसकी किस्म कौन सी है, उपकिस्म कौन सी है, उन सभी को क्या किया जाता है, एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। और उस रिकॉर्ड में क्या किया जाता है कि उस पौधे का संपूर्ण लेखा जोखा जो होता है वो सूचीबद्ध होता है। सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया भी जो होती है वो NBPGR के माध्यम से करवाई जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सूचीबद्ध या कैटालॉगिंग कहलाती है। इसके पश्चात फिर जो इसके अंदर जो है फोर्थ स्टेप आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन मूल्यांकन में जो है हम उस पौधे के अंदर प्राप्त होने वाले वांछित लक्षणों का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं या उसका जो है मूल्यांकन करते हैं, जिसके माध्यम से हमें उस पौधे से प्राप्त होने वाले वांछित लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि वह पौधा जो है वो कितने ज्यादा उत्तम किस्म का है। अगर उसमें मान लो वांछित लक्षणों का समावेश नहीं हो रहा है तो ऐसे पौधों को क्या किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है।
और यदि मान लीजिए पादप पुनर्स्थापन के द्वारा प्राप्त पौधे के अंदर क्या है कि उच्च कोटि के लक्षण अगर विद्यमान होते हैं तो उस पौधे की प्रजाति को जो है नई उन्नत किस्म के रूप में जो है विकसित कर दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। इसके पश्चात फिर जो है फिफ्थ स्टेप आता है इसमें, गुणन। गुणन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि मूल्यांकन के पश्चात जो उत्तम किस्म प्राप्त हुई उस किस्म को क्या किया जाता है, बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। और जब ये पौधे या ये किस्में जो है बड़ी मात्रा में उग जाते हैं तो उनका क्या किया जाता है, फिर वितरण करवाया जाता है। उनका फिर क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। वितरण की प्रक्रिया जो होती है ये वितरण निगम द्वारा की जाती। वितरण निगम जिसके अंतर्गत उस संस्था, वह संस्थाएं आती है जो क्या करती है, बीजों का वितरण करती है। उस उन्नत किस्म के बीजों को क्या किया जाएगा, कृषकों तक जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यह प्रक्रिया जो होती है वितरण कहलाती है। इसके पश्चात फिर जो है पूर्व स्थापन के लाभ तथा हानियां, पूर्व स्थापन के लाभ तथा हानियां। लाभ क्या क्या हो सकते हैं पूर्व स्थापन के, देखिए लाभ जो है पूर्व स्थापन के लाभ, लाभ के अंतर्गत पौधों जो पादप पूर्व स्थापित किया गया है उस पादप के अंदर वांछित लक्षण विद्यमान होंगे। वांछित लक्षण से क्या अर्थ है, तो वांछित लक्षण का अर्थ होता है कि जिन लक्षणों को लेकर के हम उन्नत किस्म बनाना चाहते हैं वह वांछित लक्षण क्या है, पूर्व स्थापित पादप के अंदर पाए जाते हैं। तो हमें जो है ऐसे पादपों का चयन करना चाहिए जिसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा वांछित लक्षण विद्यमान हो ताकि नई उन्नत किस्म प्राप्त की जा सके, नई उन्नत किस्म प्राप्त की जा सके। तो ये क्या है, सबसे फर्स्ट लाभ है कि ऐसे पादपों का चुनाव होता है जिसमें क्या होता है वांछित लक्षण पाए जाते हैं, और जब उनका क्या क्या करवाया जाता है, पूर्व स्थापन करवाया जाता है तो हमें और ज्यादा जो है उन्नत किस्म प्राप्त होती है। दूसरा लाभ ये है कि पूर्व स्थापन की प्रक्रिया अपनाने के कारण से हमें जो है संकरण की क्रिया, चयन की क्रिया जो है नहीं करवानी पड़ती, जिसके कारण से क्या होता है समय और धन की क्या होती है, काफी बचत होती है। समय की बचत होगी क्यों, क्योंकि संकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसमें काफी समय लगता है, कई बार ये समय जो है 10 से 12 वर्षों का भी लग जाता है, जिसके पश्चात क्या हमें उन्नत किस्म प्राप्त होती है। तो इसीलिए क्या है कि पादप पूर्व स्थापन की प्रक्रिया के कारण से क्या होता है हमें संकरण की क्रिया, चयन की प्रक्रिया को नहीं अपनाना पड़ता, जिसके कारण से क्या होता है समय और धन की जो है काफी बचत होती है। इसके पश्चात जो है थर्ड जो लाभ है वो यह है कि पादप पूर्व स्थापन की प्रक्रिया अपनाने के कारण से पादपों के साथ आने वाले जो रोग होते हैं, आने वाले रोग हैं, रोगजनक हैं, उनसे क्या होता है छुटकारा मिल जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी पादप के अंदर कोई रोग विद्यमान है तो हमें पादप पूर्व स्थापन प्रक्रिया जब अपनाई जाएगी, जब उसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जिसमें अपन ने क्वारंटीन भी पढ़ा है, तो उस कारण से क्या होता है कि ऐसे पादपों को क्या किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जलवायु में उगाया जाएगा तो ऐसे पादप जो होते हैं उनके साथ रोगों के आने की संभावना या रोगजनक के आने की संभावना जो होती है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये प्रक्रिया जो होती है विभिन्न प्रकार की जांच के माध्यम से गुजरती है, और उस कारण से क्या होता है कि रोगों के और रोगजनकों के आने की संभावनाएं जो होती है पौधों में ये बहुत कम हो जाती है। तो ये भी क्या है एक प्रकार से लाभ है। और ऐसे फोर्थ लाभ ये भी हो सकता है कि ऐसे पादप जो क्या है कि जिस स्थान पर उग रहे हैं जहां पर क्या है रोग महामारी के रूप में फैल रखा है, तो वहां से जब पौधे को लाया जा रहा है
तो वह महामारी जो है उसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित किया जा सकता है। तो केवल जो है अच्छे लक्षणों वाले पौधों का ही क्या करवाया जाएगा, पुनर्स्थापन करवाया जाएगा। तो ये सब क्या है, इसके लाभ है। हानियां क्या हो सकती है, हानियों के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि क्या होता है कि पुनर्स्थापन के कारण से क्या होता है, कई बार जो है विभिन्न प्रकार के कवक खरपतवार आदि भी क्या होते हैं, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं और वहां पर पहुंच करके ये जो है महामारी के रूप में क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि उस स्थान पर दूसरे जो पादप हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उनसे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे फिर क्या होता है इनको हटाना जो है वो बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि पुनर्स्थापन से हानियां यह हो सकती है कि जो पौधा पुनर्स्थापित किया जा रहा है, जिस प्रजाति को पुनर्स्थापित किया जा रहा है उसमें क्या हो सकता है कि कई प्रकार के रोग जो हैं उनके आने की संभावना रहती है। हालांकि लाभ में अपन ने पढ़ा है कि इनको हटा दिया जाता है, परंतु कई बार फिर भी जो है ये रोग जो है एक देश से दूसरे देश में एंटर कर जाते हैं। जैसे कॉफी का किट रोग जो है यह विदेश से जो है कॉफी के पौधों के अंदर आया है, तो उस कारण से क्या होता है कि रोगों के फैलने की संभावना भी जो होती है पुनर्स्थापन के कारण से बढ़ जाती है। तो ये सब जो है पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया कहलाती है। थैंक यू। लो दिलीप जी, हो गयो? और कहीं